नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में किस तरह से मूव हुई और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनमें किस तरह से मूव हुई। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए यहां पर जो आज मूव हुई है बैंक निफ्टी में, जो आप देख सकते हैं आज भी देखिए मतलब डोजी टाइप की ही कैंडल बनी है। यहां पर देखिए अगर आप देखेंगे कंटिन्यू तो आज ये छठा ट्रेडिंग सेशन है जब मतलब कंटिन्यू यहां पर एक डोजी टाइप की या फिर हैमर टाइप की कैंडल ही बन रही है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अब यहां पर जो है मार्केट ऊपर जाने के लिए कतई तैयार नहीं है, यहां पर मार्केट ऊपर जाते हुए नहीं दिख रही है। और अगर आज कहा जाए तो ये जो आज का जो दिन था वो टोटली ऑप्शन राइटर्स का दिन था। ऑप्शन राइटर्स जैसे एक्सपेक्ट करते हैं, मान लीजिए उन्होंने 31,000 की कॉल सेल कर दी और मार्केट वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट 31,000 के ऊपर जो है जो क्लोजिंग ना आए, तो देखिए वो सेम चीज आज हुई है। तो मतलब आज टोटल ऑप्शन राइटिंग का जो है दिन था और यहाँ पर फाइनली जो है डोजी कैंडल बनाए क्लोज हुई। मीन्स मतलब जहां से मार्केट चली थी उसके आसपास कहीं आके क्लोजिंग हो गई। तो चलिए मैं बात करूंगा अब जो है 15 मिनट के चार्ट में। 15 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है और 15 मिनट के चार्ट में अब यहाँ पर देखिए ये जो कैंडल बनी थी ये कैंडल बनने के आसपास ही देखिए पिछला जो यहाँ पर लो लगा हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया था कि मे बी निफ्टी यहाँ से बैंक निफ्टी यहाँ से बैंक बाउंस बैक कर सकती है बिकॉज यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल था। ये जो लेवल था 30,650 के आसपास का लेवल था। और फाइनली देखिए अब मैं दूसरी चीज आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ देखिए एक मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कट बताया था कि ये जो 30,950 के आसपास का लेवल है ये एक सेलिंग जोन का एरिया है, ये सेलिंग का एरिया है और इस लेवल पर मैंने आपको बाइंग बताई थी और ये नीचे वाला लेवल आपको मैंने बाइंग के लिए दिया था। तो ये बाइंग के लिए हमारे पास ये दो लेवल थे और ये हमारा सेलिंग का क्लियर कट एरिया था। ये मैंने आपको कल बिल्कुल साफ लफ्जों में बता दिया था यूट्यूब के वीडियो में कि मतलब यहां से सेलिंग जोन है, आप यहां से क्लियर कट सेलिंग के लिए जा सकते हैं। और फाइनली देखिए यहां से जो है मैंने टेलीग्राम चैनल में भी ये चार्ट मैंने पोस्ट किया था और बताया था कि यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बन रहा है और यहाँ से मे बी निफ्टी जो है यहाँ से 75 से 100 पॉइंट के आसपास यहाँ पर नीचे गिर सकती है। और फाइनली देखिए वो 100 पॉइंट से ज्यादा वहां पर गिरी। देखिए मैं वहां पर आप लोगों को कंटिन्यू टेलीग्राम चैनल में चार्ट पोस्ट करते रहता हूं ताकि मतलब आप लोगों को चीजें पता चले। अगर आप कोई गलत ट्रेड एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं तो कम से कम आप वो गलत ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे और मार्केट की मूवमेंट को समझ कर आप वहां पर ट्रेड करेंगे। तो मैं टेलीग्राम चैनल में इसलिए आप लोगों को कंटिन्यू टाइम टू टाइम मैं चार्ट जो है अपडेट करते रहता हूं, बताते रहता हूं कि अभी मैं कौन सी कॉल में ट्रेडिंग कर रहा हूं या फिर मैंने कौन सी ऑप्शन में राइटिंग करी है या फिर क्या किया है, मार्केट का सिनेरियो क्या है, सारी चीजें मैं आप लोगों को वहां टेलीग्राम चैनल में अपडेट करते रहता हूं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद आपको वहां पर बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। वहां पर टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, ब्रेकआउट किस तरह से ट्रेड किया जाता है, वो सारी चीजें आप लोगों को वहां पर पता चलने वाली है। तो चलिए फाइनली अब हम आते हैं 5 मिनट के चार्ट में और 5 मिनट के चार्ट में हम बात करेंगे किस तरह से जो है मार्केट ने ट्रेड किया। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो फाइनली अब हम आगे हैं 5 मिनट के चार्ट में और 5 मिनट का ये जो चार्ट लगा हुआ है ये देखिए यहां पर जो मैंने आपको क्लियर कट बताया था, सबसे पहले तो मैं यहां पर बात करूंगा कि ये जो ओपनिंग हुई थी, ओपनिंग देखिए ये पिछले रेजिस्टेंस के सॉरी सपोर्ट के आसपास हुई थी, फाइनली यहीं से सपोर्ट लेकर जो है बाउंस बैक कर गया। अब इस एरिया के आसपास देखिए कंटिन्यू मार्केट ने काफी टाइम तक स्ट्रगल किया है। अगर हम बात करें तो इस जो एरिया था इसके आसपास काफी देर तक स्ट्रगल हुआ है और स्ट्रगल होने के बाद फाइनली देखिए यहां पर एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था कंटिन्यू। ये देखिए ये ट्रायंगल पैटर्न यहां पर फॉर्म हो रहा था और मैंने ये चीज आपको बता भी दी थी। अगर हम ऊपर से भी एक ड्रॉ करें इस तरह से सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न हम यहां पर देख रहे थे, इस तरह से ये पैटर्न ड्रॉ हो रहा था और मैंने यहां पर देखिए आपको टेलीग्राम चैनल में मैंने पोस्ट कर दिया था कि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जिस तरफ ब्रेकआउट करेगा हम उस तरफ खोलेंगे। तो फाइनली देखिए यहां पर कुछ देर सस्टेन करने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ और यहां पर हमने शायद जो है 30,700 की कॉल यहां पर बाय की थी और यहां पर जो हमको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। उसके बाद जब मार्केट यहां पर पहुंची, देखिए ये जो मैंने कल आपको यूट्यूब वीडियो में बताया था कि यहां पर पहला टॉप बना हुआ है, दूसरा टॉप बनाकर यहां पर नीचे की तरफ आ सकती है। सो यहां पर देखिए बिल्कुल सेम वैसा हुआ, पहला टॉप बनने के बाद दूसरा टॉप जब बना तो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में बकायदा लिखकर वहां पर डबल टॉप चार्ट पैटर्न वहां पर और विद चार्ट के साथ मैंने पोस्ट किया कि यहां से मार्केट जो है नीचे की तरफ आ सकती है। सो यहां पर देखिए 100 से ज्यादा पॉइंट से नीचे की तरफ गिरी और उसके बाद जो है मैंने अगला ट्रेड जो मैंने आप लोगों को बताया था, अगला चार्ट जो मैंने आप लोगों के लिए पोस्ट किया था वो इस तरह से किया था। जो नीचे की आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, पहले मैं इसको डिलीट कर दूं फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो नीचे से एक ट्रेंड लाइन बनकर आ रही थी तो मैंने यहां पर बताया था कि इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद यहां पर जो है हमको एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है और यहां पर जो है फाइनली पैनिक सेलिंग देखने को मिली। और उसके बाद देखिए मैंने आप लोगों को एक कॉल दी थी पुट बाय करने के लिए और वो पुट देखिए वो उसने सिर्फ जो है 3 मिनट में जो है 80% के गेन जो है आपको दिया है।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों ने भी उस पुट में ट्रेड किया होगा उन लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। तो चलिए बात करते हैं 15 मिनट के चार्ट में, हम अपने चार्ट को कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद बात करेंगे कल के लिए कि कल को हमको किस तरह से ट्रेड करना है, तो उन सब चीजों के बारे में अब हम देखेंगे। तो देखिए अब ये जो ट्रेंड लाइन यहां पर, ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है मैंने, यही ट्रेंड लाइन अब हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है, अब ये देखिए ये जो सपोर्ट है इस सपोर्ट को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, इस तरह से कर लेते हैं, और इसके बाद जो है अगला सपोर्ट हमको मिलने वाला है यहां पर 30,400 के आसपास। तो अब जो है आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। अब अगर यहां पर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद यहां पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, तो अब क्लियर कट ये देखिए 30,800 और नीचे 30,600, तो 200 पॉइंट्स के लिए क्लियर कट आप यहां पर सेलिंग कर सकते हैं। अगर मार्केट में ज्यादा बड़े प्लेयर्स यहां पर जो है सेलिंग करने में आ गए या फिर यहां पर प्रॉफिट बुकिंग होने लग गई, तो हम नीचे का लेवल भी देख सकते हैं 30,400 का, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब देखिए अब हमको गैप अप में क्या करना है और गैप डाउन में क्या करना है वो चीज मैं बता देता हूं। गैप अप में देखिए अगर मार्केट यहां पर गैप अप ओपन होती है, मान लीजिए 31,000 के ऊपर गैप अप ओपन होती है और वहां पर 5 मिनट सस्टेन कर जाती है, तो आप लोग को वहां पर बाइंग बनानी है। जो 5 मिनट की कैंडल बनी होगी उस ग्रीन कैंडल के लो का आप लोग लगाकर स्टॉप लॉस लगाकर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। मान लीजिए अब यहां पर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, अभी देखिए 30,800 के आसपास की क्लोजिंग है और यहां पर अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है मान लीजिए 30,650 के आसपास की, तो यहां पर आपको कंफर्मेशन का वेट करना है। मे बी कैंडल कंफर्मेशन हो सकती है, मे बी टेक्निकली कंफर्मेशन हो सकती है, मे बी डाटा एनालिसिस कंफर्मेशन हो सकती है, तो यहां से भी जो है बाउंस बैक हो सकता है। अदरवाइज अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो यहां पर क्लियर कट आप लोगों को एक बाइंग के लिए ही देखना है, क्योंकि यहां पर एक पैटर्न हमको यहां पर एक हमको यहां पर बॉटम मिला हुआ है, दूसरा बॉटम यहां पर जब मिलेगा तो यहां पर डबल बॉटम पैटर्न तैयार हो जाएगा और डबल बॉटम पैटर्न के बाद यहां से जो आपको बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो इन चीजों का ध्यान रखकर, चीजों को सारा देखकर सुनकर समझकर ट्रेड करिए। पैसा बनाना बहुत आसान है ऑप्शन ट्रेडिंग में, सो आप जो है मतलब टेक्निकल को फॉलो करिए, डाटा एनालिसिस को फॉलो करिए, कैंडल शीट के बारे में सीखिए, यही सब चीजें आपको पैसा बनाकर देंगी। तो चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में कि उन लोग उन स्टॉक्स ने किस तरह से मूवमेंट करी। तो देखिए फाइनली जो है एक्सिस बैंक ने अभी हमारा जो है रेंज जो हमने डिसाइड करके रखी हुई है वो रेंज ब्रेक नहीं किया हुआ है, और यहां पर जो इसकी मूवमेंट हुई है, जो हाई लगा है इसका 611 का लगा है और लो 603 का लगा है, मीन्स मतलब ये 8 पॉइंट के इर्द गिर्द ही ये घूमता रहा। तो यहां पर अभी यहां पर रेंज ब्रेक होने दीजिए तब हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट है बंधन बैंक। तो बंधन बैंक देखिए मैंने यहां पर आपको बताया था कि यहां पर देखिए एक इनसाइड कैंडल बनी हुई है, इनसाइड कैंडल के बाद कल की जो कैंडल बनी थी उस कैंडल ने भी देखिए इस लो को ब्रेक नहीं किया था। अब देखिए आज की कैंडल ने इस लो का ब्रेक कर दिया है। अभी लो ब्रेक होने के बाद देखिए ये जो आज का लो लगा है 405 का लगा है। कल अगर आपको यहां पर ट्रेड बनाना है तो 405 के नीचे आप जो है सेलिंग के लिए जा सकते हैं। 400 और 395 रुपए हमारा यहां पर टारगेट होने वाला है। तो देखिए आज यहां पर जो सबसे अच्छा किया वो HDFC बैंक ने किया। यहां पर देखिए क्लियर कट मैंने आपको कल बताया हुआ था कि जो कल का हाई लगा हुआ है यहां पर देखिए 1416 का, तो मैंने 1415 रुपए के ऊपर यहां पर आपको बाइंग दी थी, 1415 रुपए के ऊपर मैंने आपको बाइंग दी थी, 1440 का मैंने टारगेट दिया था। तो फाइनली देखिए आज जो हाई लगा है वो 1445 का लगा है। अब देखिए अब हमको कल क्या करना है, अब हमको यहां पर वेट करना है, यहां पर पेशेंस की स्थिति यहां पर बना के रखनी है। मे बी यहां पर डोजी कैंडल बनाने के बाद रिवर्स होने के बाद फिर इसी रेंज में आ जाए, फिर नीचे की तरफ आ जाए, मे बी यहां से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दे। जब यहां पर ब्रेकआउट देगा तो ब्रेकआउट के बाद ही हम बाइंग के लिए जाने वाले हैं, उससे पहले बाइंग के लिए बिल्कुल नहीं देखना है। बाइंग का सिनेरियो आज था जो मैंने कल आपको बता दिया था वीडियो में, सो अगर आपने इसमें ट्रेड बनाया होगा तो उम्मीद करता हूं अच्छे पैसे कमाए होंगे। अब जब तक ब्रेकआउट नहीं होता तब तक इसमें बाइंग का ट्रेड मत बनाइए, अदरवाइज यहां पर कल डोजी बनने के बाद मार्केट फिर जो है नीचे की तरफ आ सकती है, तो इसी का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा ICICI बैंक। तो ICICI भी अब थोड़ा वीक होता हुआ दिख रहा है। अब यहां पर देखिए हमको जो सेलिंग का ट्रेड बनाना है वो 505 रुपए के नीचे बनाना है, 505 रुपए के नीचे निकलता है तो 500 रुपए और 495 रुपए के लिए हम यहां पर ट्रेड बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक देखिए यहां पर कंटिन्यू रेंज में ट्रेड कर रहा था और फाइनली देखिए आज इसने रेंज ब्रेक किया, बट रेंज ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग जो आई है वो रेंज के ऊपर नहीं आई है। हमको क्लोजिंग चाहिए, या तो ऊपर की तरफ क्लोजिंग आ जाए, या तो इस रेंज का जो नीचे का जो लो लगा हुआ है उसके नीचे की क्लोजिंग आ जाए, या तो देखिए 905 के नीचे ही क्लोजिंग आ जाए, या तो फिर यहां पर क्लोजिंग आए 952 रुपए के ऊपर की। अब यहां पर देखिए यहां पर आज तो हमारा कोई सिनेरियो नहीं था क्योंकि ये रेंज में ट्रेड कर रहा था। अब यहां से निकलने दीजिए, या 970 का लेवल क्रॉस करने दीजिए, या फिर नीचे की तरफ जो है 905 का लेवल क्रॉस करने दीजिए, तब इसमें हम एंट्री बनेंगे करेंगे। अदरवाइज इसमें जो है बीच में एंट्री करके कहीं ट्रैप मत होइएगा, विदाउट लॉजिक ट्रेड करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। नेक्स्ट है हमारा कोटक बैंक। तो कोटक बैंक देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कोटक बैंक के मेरे को सबसे स्ट्रांग लग रहा है इस टाइम में।
तो देखिए कोटक बैंक ने जो यहाँ पर क्लोजिंग भी ऊपर की तरफ दे दी है और ऊपर की तरफ ट्रेड भी कंटिन्यू ऊपर की तरफ कर रहा है। अब मे बी यहाँ पर इसको ऊपर निकलना चाहिए, बट आज ये जो ऊपर की तरफ नहीं निकला है, अब हम फोकस करेंगे इस ट्रेंड लाइन पर। मैं आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये ट्रेंड लाइन अब हमने यहाँ पर ड्रॉ करी है। अब इसके नीचे अगर निकलता है तो मे बी ये नीचे का लेवल टेस्ट करने के लिए आ सकता है, ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है। देखिए हम इसको ब्रेकआउट नहीं कह सकते क्योंकि ब्रेकआउट में कोई बहुत बड़ी कैंडल बनती है, तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ी कैंडल नहीं बनी है, यहाँ पर डोजी बन रही है, दो डोजियां बन रही है। तो दो डोजियों के दम पर हम जो है ब्रेकआउट कंसिडर नहीं कर सकते और हम जो है बाइंग की तरफ अभी नहीं जा सकते। मे बी हमको यहाँ पर एक बड़ी कैंडल चाहिए, या तो ऊपर की बन जाए या तो नीचे की बन जाए। और मेरे हिसाब से यहाँ पर देखिए जिस तरह से मेरे को आज उम्मीद थी कि आज यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बननी चाहिए, ब्रेकआउट अच्छा देना चाहिए, बट नहीं दिया। कल अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो क्लियर कट सेल के लिए जाइए। यहाँ पर टारगेट जो है कम से कम 1 से 2% यहाँ पर लेके आप चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक के लिए भी देखिए अभी यहाँ पर जो लेवल इंपोर्टेंट है वो 230 का, 230 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो आप यहाँ पर सेल के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर अगर कल 235 के लिए नीचे निकलते हैं तब यहाँ पर 230 के लिए हम टारगेट के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए जो नीचे की रेंज जो यहाँ पर देखिए जो बनी हुई है, वो नीचे की रेंज हमारे लिए है 265 की। तो नीचे 265 का लेवल ब्रेक होने दीजिए। अगर ये कल 265 के नीचे ब्रेक होकर नीचे कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर देता है तो हम यहाँ पर जो है क्लियर कट सेल के लिए जाएंगे। देखिए बैंक निफ्टी में जो भी स्टॉक्स हैं इस टाइम वो अधिकतर जो है मतलब बहुत ज्यादा दूरी तय कर चुके हैं। मेंस मतलब कहने का है कि मतलब बहुत ज्यादा अब ऊपर की तरफ जा चुके हैं, बड़ी बड़ी कैंडलें बन चुकी हैं, कंटिन्यू हायर हाई हायर लो बन चुके हैं। अब वो जो है सारे स्टॉक जो है अपर लेवल पर जाकर सस्टेन कर रहे हैं और वहां पर कैंडलें देखिए वहां पर अब सेलर्स और बायर्स के बीच में जंग हो रही है, फाइट हो रही है कि इसको हमने ऊपर लेकर जाना है, सेलर्स कहते हैं हमने इसको नीचे लेकर जाना है। सो मेरे को यहां पर अब बायर्स थोड़ा वीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी यहां पर अब जिन लोगों ने यहां पर बाइंग की होगी, मान के चलिए जिन लोगों ने 188 पर बाइंग की होगी, अब उन लोगों को देखिए 274 मींस मतलब 100 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट उनको मिल रहा है। तो वहां पर अब हो सकता है यहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग आए नीचे की तरफ एक बार बैंक निफ्टी आए, क्योंकि देखिए अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट अगर ध्यान से देखेंगे, एक दिन का हम यहां पर चार्ट लगाते हैं, वनडे का हमने यहां पर चार्ट लगा लिया है। तो यहां पर देखिए अब कंटिन्यू देखिए ये जो मूव जो हो रही है ये देखिए कितने दिन हो चुके हैं, मे बी हम कह सकते हैं एक महीना हो चुका है। एक महीने से मतलब यहां पर कोई खास मूव देखने को नहीं मिल रही है, कभी देखिए ऊपर की तरफ है, कभी नीचे की तरफ है, कभी डोजी है, कभी हैमर है। तो देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कट एक लेवल देने जा रहा हूँ। ये देखिए अब ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। तो जब तक अब हम ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं तब तक हम बुलिश हैं। जैसे ही हमने ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया हम यहाँ पर टोटली बियरिश होने वाले हैं और यहाँ पर मे बी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो मार्केट जो है देखिए अभी इस तरह की रेंज में ट्रेड कर रही है। ऊपर से मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है और नीचे से मैंने इस तरह से सपोर्ट लेते हुए ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। अब इस ट्रेंड लाइन पर नजर बना के रखिएगा, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तब भी हमको एक बड़ी कैंडल चाहिए ऊपर की तरफ बाइंग करने के लिए, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तब भी हमको एक रेड कलर की बड़ी कैंडल चाहिए हमको सेल साइड में जाने के लिए। तो जब तक अभी ये रेंज में है तब तक जो है मतलब हम इसी तरह के मूव देखेंगे और जैसे ही रेंज के बाहर निकलेगा तब वहां पर बड़ी बड़ी कैंडलें बनने चालू होंगी। सो इस ट्रेंड लाइन को ध्यान में रखिएगा, इस रेंज को ध्यान में रखिएगा, इस चैनल को ध्यान में रखिएगा। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो हम बायर बनेंगे, नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा तो हम सेलर बनेंगे। तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। अगर एनालिसिस अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अगर ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद।